उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ था और संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के लोग ही PFI में थे जिन्होंने यूपी में हिंसा फैलाई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की तरफ से इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और सरकार की ओर से प्रस्ताव लाकर इसे प्रतिबंधित किया जाएगा। उससे पहले DGP ओपी सिंह ने PFI पर बैन लगाने की सिफारिश की है। इससे पहले नागरिकता संशोधन कानून पर प्रदेश भर में हिंसा में शामिल होने के सबूतों के बाद DGP मुख्यालय ने PFI पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश गृह विभाग को भेज दिया है। गृह विभाग अभी से केंद्र को भेजेगा।